अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। तन साजी यानी बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही मुश्किल और महंगा मशगला है, मगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हॉलैंड के ओलिवियर रेक्टर अलमारूफ डच जायंट को दुनिया का सबसे लंबा बॉडी बिल्डर, जबकि हिंदुस्तान के प्रतीक विट्ठल मोहित को दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर करार दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वाजह रहे, 7 फुट 1.9 इंच कद रखने वाले ओलिवियर रेक्टर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की नई कैटेगरी शौकिया और मुकाबलों में हिस्सा ना लेने वाले बॉडी बिल्डर्स के तक ये एजाज दिया गया है, क्योंकि वो फिटनेस ट्रेनर हैं और फिल्मों में भी काम करते हैं। बॉडी बिल्डिंग उनका शौक है, इसलिए उन्होंने आज तक इसके किसी भी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने मार्वल सीरीज की ब्लैक विडो फिल्म में अरसा के किरदार से फिल्मों में अदाकारी का आगाज किया, जो 2021 में रिलीज हुई। बहुत जल्द वो दी किंग्समैन सीरीज की अगली फिल्म में भी नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान के प्रतीक विट्ठल मोहित का कद सिर्फ 3 फुट 4 इंच है, लेकिन वो पेशावर बॉडी बिल्डर हैं, जो 2016 से तन साजी के मुकाबलों में हिस्सा लेते आ रहे हैं। 25 साल मोहित का कद पैदाइशी तौर पर छोटा है, जबकि बाकी जिस्म के मुकाबले में उनके बाजू और टांगे नुमाया तौर पर मुख्तसर हैं। इस नौजवान ने अपनी जिस्मानी कमी का अजाला बॉडी बिल्डिंग से किया और अपनी मुसलसल मेहनत और हिम्मत से एक पेशावर बॉडी बिल्डर की हैसियत से अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया। मोहित का कहना है, अब वो 1 मिनट में सबसे ज़्यादा डंड पेल कर यानी पुशअप लगाकर अगला रिकॉर्ड अपने नाम करने की तैयारी में मसरूफ हैं। तो देखते हैं वो ये मुकाबला कब लड़ते हैं और कब एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।